गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए कक्षा 6, 7 और 8 जूनियर के बच्चों के लिए हिंदी विषय, हिंदी में व्याकरण। और व्याकरण में हम आपको आज ले चलते हैं सर्वनाम की ओर। इसके पहले आप लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के बाद आइए हम आपको सर्वनाम के बारे में बताते हैं। सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद क्या हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझ लीजिए सर्वनाम किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होते हैं, जिनका हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मैं लिख कर बताता हूं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं क्या है, सर्वनाम है। तुम क्या है, सर्वनाम है। हम क्या है, सर्वनाम है। वाह, ये सब क्या हैं, सर्वनाम में आते हैं। यानी हम किसी का नाम ना लेकर के उसको हम, तुम, वाह आदि से जो है समझाते हैं, तो उसको हम सर्वनाम की श्रेणी में लाते हैं। सर्वनाम के भेद आप लोगों ने परिभाषा समझा, परिभाषा के बाद हम आइए समझाते हैं, बताते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। तो आइए भेद नंबर 1, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के भेद में आप नंबर 1 पाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जहाँ पर स्त्री और पुरुष का बोध हो, स्त्री या पुरुष के बोध हो, वहाँ पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम समझते हैं। और इसके 2 भेद हो, इसके 3 भेद हो जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 भेद हो जाते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के इसमें 3 भेद हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद बच्चों आइए इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कोई बात जब निश्चित रूप से कही जाती है, जहाँ पर यह समझा जाता है कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल निश्चित है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब तीसरा नंबर देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर किसी बात को जो है निश्चित रूप से नहीं लिया जाता है। बहुत कहने का मतलब यह है कि कोई बात शक के घेरे में, जैसे किसी, वह आदमी किसी पर बैठा हुआ है, अब किस पे बैठा हुआ है ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है,
संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पर संबंध की बात कही जाए, संबंध की बात, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। फिर देखो पांचवा, पहले से समझ लो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद जो है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आता है बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, हाँ, वह कहाँ जा रहा है, उसे कौन बुला रहा है, कहाँ, कौन, कब, क्या, किसी भी वाक्य में अगर ये सब आते हैं तो वहाँ पर ये सब कब, कौन, कहाँ, ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब देखिए लास्ट सर्वनाम आपको हम बताते हैं कौन सा है। लास्ट निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पर जैसे आप यहाँ हो तो आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर उसके जो है अपने निजी होने की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद आज आप लोगों ने पढ़ा। अब अगले वीडियो में व्याकरण की कुछ और बातें लेकर आऊँगा। तब तक आज बस इतना ही। धन्यवाद।